हाय एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वेडिंग एनिवर्सरी वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से वेडिंग एनिवर्सरी के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पर क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम लोग वीडियो के रिजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लेनी है एंड इसकी साइज़ को हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसके बाद इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, तो इसको आपको स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड पिक्चर को लगाया था, तो मैं उसको इसमें ऐड कर लेती हूँ। आपको यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड पिक्चर लगाना हो उसको आप लोग ऐड कर लेना। एंड इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं, मास्क को एनेबल कर लेंगे एंड इसमें इस वाले शेप को रख लेते हैं एंड इसको बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम लोग कम कर लेंगे एंड इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था, उसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड इसमें भी सेम प्रोसेस। हम लोग क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आएंगे, मास्क को एनेबल कर लेंगे एंड इस वाले शेप को ऐड करेंगे एंड इसको बढ़ा लेते हैं एंड इसकी ओपेसिटी को कम कर लेते हैं एंड इसको भी यहाँ पे रख लेंगे। इस पिक्चर को हम लोग और क्रॉप कर लेते हैं यहाँ तक एंड इसकी ओपेसिटी को हम लोग और कम कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों पिक्चर को हम लोग फुल वीडियो तक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर को ऐड कर लेती हूँ। इसको हम लोग सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेंगे एंड इसके बाद यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे जैसे पिक्चर चेंज होगी तो फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे सेकंड वाली पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं एंड इसके बाद इस प्रोजेक्ट वाले लेयर को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इस पिक्चर को हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इसमें आपको इन एनिमेशन को ऐड करना है, तो इसको हम लोग फेड रखेंगे एंड इसको 2 सेकेंड्स रखना है। तो इसी तरह से आपको पूरी वीडियो में सारे पिक्चर्स को ऐड कर लेनी है एंड इस दोनों पिक्चर को हम लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ पर हम लोग नेम को टाइप कर लेते हैं। एंड इसमें हम लोग इस वाले फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेंगे एंड इसकी कलर को हम लोग ब्लैक कर लेते हैं एंड इसकी शैडो को ऑफ कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसको भी फुल वीडियो तक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फ़ाइल में सेव हो जाएगी।
तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लो, और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।